नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब के आदेश अनुसार आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जैसे कि हम बताना चाहेंगे आपको कि हर साल हम लोग 25 दिसंबर को एक कुलहिंद मुशायरा ऑर्गेनाइज करते हैं मुमरा कौसा के अंदर, मित्तल ग्राउंड के अंदर। लेकिन एनआरसी सीए को लेकर के जो देश के हालात चल रहे थे और चल रहे हैं, उन चीज़ों को देखते हुए हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने 26 जनवरी को कुल हिंद मुशायरा, एहतजाजी मुशायरा एनआरसी सीए के खिलाफ हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करने का ऐलान किया। आज 23 तारीख है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि 26 तारीख को शाम 7 बजे से लेकर के रात में 12 बजे तक एक मुशायरा ऑर्गेनाइज हो रहा है मित्तल ग्राउंड के अंदर, जिसके अंदर हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े शायर आ रहे हैं। कम्प्लीटली हमारा एहतजाजी मुशायरा है। एहतजाजी मुशायरे के हिसाब से वो सब्जेक्ट एक ही होगा, दो नहीं होगा, और उसके अंदर कोई ऐसी शेर शायरी नहीं होगी, कोई ऐसी बातें नहीं होगी जो एहतजाजी मुशायरे से हट करके होगी। मुशायरे का टाइम मुझे, ये मुशायरा इंशाअल्लाह ताला हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये चलेगा रात 12 बजे तक। परमिशन 12 बजे तक का परमिशन हुआ, 12 बजे तक की परमिशन की है हमको, एक ही नहीं 12 बजे तक हमको परमिशन मिल जाएगी। मिल गई है, हमारा परमिशन रात 12 बजे तक का है। अब मैं चाहता हूँ फाद भाई मौजूद है, आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में पीएचडी कर रहा हूँ, और पिछले दिनों में जिस तरह से आपने देखा होगा कि पूरे देश के छात्रों पर सवाल पूछने के अधिकार पर जिस तरह से सरकार ने अपनी ब्रुटैलिटी की थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो या फिर JNU, तो हम पहले दिन से इस लड़ाई को लड़ रहे थे। मैं आपको अगर बताऊं कि जो CAA NRC और NBR है, इसने हमारे आर्टिकल 14 और प्रीएम्बल की धज्जियाँ उड़ाई हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बार 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 बोल रहे हैं कि CAA जो है वो नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं, इसलिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर नागरिकता देनी है तो उसके लिए तो ऑलरेडी बिल है, आपको पता होगा कुछ दिन पहले अदनान सामी जी को भी इन्होंने नागरिकता दी थी। तो क्यों आखिर ज़रूरत पड़ी है CAA लाने की? 1951 का एक UN का कन्वेंशन है जिसके थ्रू से किसी को भी, पूरी दुनिया से कहीं पर भी आप किसी को भी जो है नागरिकता दे सकते थे, और मुसलमानों पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि आप विरोध कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ को नागरिकता देने की, तो हम आपके माध्यम से सबको ये कहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप पूरी दुनिया से माइनॉरिटीज़ को ये कहिए, उनको हम अपने दिलों में और हम अपने घरों में जगह देंगे। अब बात आती है छात्रों की, क्योंकि ये इनका एक मुशायरा जो हर साल होता था, हम भारत के लोग जिसके बैनर के तले पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं, मैं उसका नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ, और मुंबई में चाहे वो अगस्त क्रांति मैदान हो, वानखेड़े स्टेडियम आपने देखा हो तो वो हमारी टीम थी, मैं और हम लोग हमारे साथी वानखेड़े स्टेडियम भी गए थे। तो मुद्दा ये था कि जितेंद्र अवार साहब ने हमसे ये कहा कि मैं मुशायरा करता हूँ, लेकिन मेरा मन ये है कि मैं ऐसे हालात में सिर्फ शेर व शायरी की बात ना करूँ, मैं ये चाहता हूँ कि देश में जो पर्टेनिंग हालात हैं, जो जिस तरह से ब्रुटैलिटी छात्रों पर हो रही है, जिस तरह से सरकार जो है संविधान की और जो लड़ाई इस देश में गोपालकर और अंबेडकर के आइडिया के बीच में हो रही है, मैं चाहता हूँ हमारे जो मुशायरे की ऑर्गेनाइजिंग टीम है उस पर बात हो। तो हमने कहा बताइए हम क्या मदद कर सकते हैं, तो उन्होंने, हम चाहते हैं कि आप जो है उन तमाम छात्रों को पूरे देश से बुलाएं जिन छात्रों ने इस लड़ाई को लड़ा है। उसके बाद शमीम भाई, क्या एक मीटिंग हुई, हमने कहा ठीक है ये हम कर सकते हैं।